अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल हाक़ात, आज हम इसकी मुख्तसर तफसीर और तर्जमा करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो अजीम नाम इसमें बयान किए गए हैं, अल्हाक़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि साबित होने वाली, ये कयामत के नामों में से एक नाम है, यानी जो ज़रूर आने वाली है, जो ला रईब फ़ी है, जिसके अंदर कोई शक शुबा नहीं है। मल्हाक़ा, फिर यहाँ पर इस्तफसार किया जा रहा है कि क्या है हाका, यानी कयामत क्या है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अदरा कमल हाका, तुझे क्या मालूम कि वो साबित शुदा या जो कयामत आनी है वो क्या है। ये उसको एम्फसाइज करने के लिए, ज़ोर देने के लिए दोबारा वही सवाल पूछा जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, कज़बत समूद व आदम बिल कारिया, इस खिड़खिड़ा देने वाली को समूद और आद की कौम ने जुटला दिया। समूद की कौम वो थी जिनके ऊपर आसमान और ज़मीन दोनों अजाब आए, और आद की कौम पर हवा का अजाब आया। ये आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन समूद की कौम के बारे में कुरान मजीद में एक और मकाम पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह समूद अल्लज़ीन जाबु सख़्र बिलवाद, फरमाया जो समूद है वो कौम थी, इतनी ताकतवर कौम थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जा वो सखरा बिलवाद की, ये पहाड़ों को खोद के घर बनाया करती थी, इतना ताकतवर कौम थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको अजाब दे दिया, इसको तबाह बर्बाद कर दिया। आगे अल्लाह इसका जिक्र फरमाते हैं, फरमाया इनका जुर्म क्या था कि बिल कारिया, इन्होंने जुटलाया था कारिया को, खिड़खिड़ा डालने वाली। कारिया कहते हैं उस चीज़ को, ऐसी सख्त चीज़ को जो दूसरे पर ज़र्ब लगाई जाए तो फिर उससे आवाज़ पैदा हो। इसी तरह से समूद के इस अजाब के बारे में कुरान मजीद में सही हतम वाहिदा के अल्फाज भी आए हैं कि वो एक ज़बरदस्त चीख थी, एक पुकार थी, एक आवाज़ थी जिसने उनको हलाक करके रख दिया। और फरमाया आद की कौम ने भी इस कयामत के दिन को झुटलाया। ये आद की कौम वो कौम है जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिआद, तुझे क्या मालूम कि तेरे रब ने आद वालों के साथ क्या किया, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने आद वालों के साथ क्या किया। और फिर उनकी सिफत बताई जाती है, फरमाया इरम ज़ातिल इमाद, ये ऐसे ऊंचे कद वाले थे, ऐसे बड़े बड़े कद वाले थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इरम ज़ातिल इमाद, जैसे कि बड़े बड़े सतूनों। फिर जो है समूद का तज़किरा यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फम समूद फअहलिकु बितागिया, कि समूद तो बेहद खौफनाक और ऊंची आवाज़ से हलाक कर दी गई। समूद की कौम को अल्लाह ताला ने एक आवाज़ से जो है हलाक कर दिया, एक खौफनाक कड़क से अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दिया। और जो आद की कौम थी, फरमाया व अम्मा आदुन फअहलिकु बिरीहिन सरसरिन आतिया, फरमाया और आद की कौम के ऊपर बेहद तेज़ और तुंद हवा से उनको गारत कर दिया गया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। मुफस्सरीन लिखते हैं कि वो बहुत यकबस्ता हवा थी। और सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक भी है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने खैबर के, अल्लाह ताला ने खंदक के दिन जो है मेरी मदद मशरक की हवा से की, और आद को मगरब की हवा से तबाह किया गया, आद को मगरब की हवा से बर्बाद किया गया। तो वो जो हवा थी वो कितने दिन ठहरी, कितनी रातें ठहरी, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया। फरमाया सखरहा अलैहिम सबअ लयालियुम व समानियत अय्यामिन हुसूमा, فطر القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاويه, वो जो अजाब था, سخرها عليهم سبع ليال و ثمانيه ايام, वो उन पर सात रात और आठ दिन तक ठहरी रही।
और फरमाया फतरल कौम फीहा सरआ, बस तुम देखते कि ये लोग ज़मीन पर इस तरह गिर गए, उनकी कौम जो है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके जो लाशें जब 7 दिन ख़त्म हुए आंधी के, तो उनके लाशें इस तरह से ज़मीन पर बिखरे पड़े थे जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कान्नहुम आजाज़ नखलिन खाविया, फरमाया ऐसा लगता था कि खजूर के बड़े बड़े तने, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि आद की कौम का अल्लाह ताला ने फरमाया इरम ज़ातिल इमाद, वो इतना ऊंचे कद वाले थे गोया लगता था कि वो बड़े बड़े सतून हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं जब वो उन पर अजाब आया तो वो बड़े बड़े सतूनों के कद वाले, बड़े बड़े कद वाले जो कहते थे लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, अल्लाह फरमाते उन जैसा हमने किसी को पैदा नहीं किया था इलाकों में, तो अल्लाह ताला शहरों के अंदर इलाकों में अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उन जैसा पैदा ही नहीं किया, इतने ऊंचे कद वाले थे, लेकिन जब गिरे पड़े अल्लाह का अजाब आया तो उनके कद उनको कोई फ़ायदा ना दे सके, और उनका माल और दौलत, उनके जाहो जलाल, इज्जत और हशमत, उनका जो सोना चांदी था वो सब कुछ गारत हो गया और कोई चीज़ उनको उनके काम ना आ सकी। अल्लाह ताला फरमाते हैं फहल तरा लहुम मिन बाकिया, क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लगता है कोई उनका कोई बाकी बचा हुआ है कोई, यानी हमने उनको जड़ से उखाड़ फेंका, और जब हमारा अजाब उन पर आया तो अल्लाह ताला ने उनका जड़ से ही खात्मा कर दिया, उन सारी की सारी कौम को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। वजा फिरऔन व मन कबलहू वल मुतफिकात बिल खातिया, यहाँ पर मैं एक बात ज़मीनन अर्ज कर दूँ कि जो आद की कौम है उनके, आद और समूद की कौम के जो जो उनके आसार हैं वो अभी भी मौजूद हैं, आप नेट पर सर्च करें, अगर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के जो वादी है वो वहाँ पर आपको तस्वीरें भी इबरत के लिए मिल जाएंगी, तो वो देख के इंसान हैरान हो जाता है कि किस तरह उन्होंने पहाड़ों को जो है काट के घर बनाया था। तो फरमाया वा जा फिरऔन व मन कबलहू वल मुतफिकात बिल खातिया, फिरऔन और उसके पहले के लोग और जिनकी बस्तियां उलट दी गईं उन्होंने भी खताएं की थी, अल्लाह ताला फरमाया उनको सबसे बड़ी खता तो ये थी कि वो रोज़ आखिरत को झुटलाते थे, और आपको पता है कि जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियां वो भी ऊपर से नीचे तक जो है तह तह कर दी गई थी, और उनके ऊपर जो है अजाब आया था पत्थर की बारिश, उनका भी आपको इल्म है। इस तरह से बहुत सारी बस्तियों के बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया है कि फिरौन की बस्ती व फिरौन अज़िल औताद, व फिरौन जो मेखों वाला था, यानी मेखें वो फौजों के की मेखें हुआ करती थी, मतलब फौजों के टेंट जो लगते थे, यानी बहुत ज़्यादा फौजों वाला जो फिरौन था, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया, वो खताकार थे, खता और जुर्म उनका क्या था आगे आ रहा है, फरमाया फअसौ रसूल रब्बिहिम फअखज़हुम अख़ज़तर राबिया, और अपने रब के रसूलों की नाफरमानी की, बिल आखिर अल्लाह ने भी ज़बरदस्त गिरफ्त में ले लिया। फिरौन ने जो है क्या किया था, वो अल्लाह के रसूलों को झुटलाया था, यानी अल्लाह के रसूलों को झुटलाना ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसकी वजह से अल्लाह ताला कौमों को तबाह बर्बाद भी कर देता है, और आज मुझे खौफ है हमारी जो कौम है वो भी इसी रविश पर चल चुकी है, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अहमियत नहीं देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे को हुक्म दिया है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर जो है हमारी रहनुमाई फरमाई है, औरतों के हकूक, मर्दों के हकूक बयान किए हैं, तो सब अपने अपने जो फ़ायदे के हकूक हैं वो तो सभी लेते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको लगता है कि थोड़ी सी उनका जो है किसी और को कोई फेवर देनी पड़ रही है, तो वहाँ पर वो फिर दाढ़ी को ही देख लें आप, तो ये देखें इसको हमने सुन्नत रसूल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है हमें सुन्नत, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं मा आता कुमर रसूल फ़खुजू व मा नहा कुमन फनतहु, जो कुछ तुम्हें रसूल दे दें उसे ले लो और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसे अपनी मर्जी बना लिया, हमने जो है इसको शेव करवाते हैं और कभी सोचते भी नहीं हैं, अल्लाह ताला हमें कुरान पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला ये फरमाते इन्ना लम्मा तगल मा उ हमलनाकुम फिल जारिया, जब पानी में तुगयानी आ गई
तो उस वक़्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया। ये सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े का जिक्र हो रहा है कि जब उनकी कौम के ऊपर अज़ाब आया, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अपने कौम के बारे में, रब्बे नसुरनी बिमा कज़्ज़बून, अल्लाह इन्होंने मुझे झुटला दिया है, तू ही मेरी मदद फरमा। तो फिर अल्लाह ताला ने अज़ाब उनकी कौम पर किया था, और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को और नूह अलैहिस्सलाम को कश्तियों पर बिठा लिया, और अल्लाह अपना एहसान याद करवाते हैं कि अगर वो ना बैठते तो तुम भी ना बैठते। अगर तो यहाँ पर मुखातिब जो है वो सामने वाले हैं, लेकिन उसी वाक़े की तरफ इशारा है। अल्लाह फरमाते हैं लिना जालहा लकुम तज़किरतुम व ताईहा उज़नुम व ईया, ताकि उसे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें, और ताकि याद रखने वाले कान उसे याद रखें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ैज़ा नफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़खतुन वाहिदा, फिर जब सूर फूंका जाएगा यक बारगी, यानी कयामत की हौलनाकी का जिक्र हो रहा है कि उस दिन जो है सूर फूंका जाएगा और लोग फौज दर फौज जो है वो अपने कब्रों से निकल के और मैदान हशर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ वो वाक्या बयान किया जा रहा है, वह हुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतं वाहिदा, फरमाया और ज़मीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे और एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। जैसे कुरान मजीद में एक और मुकाम पे आया, अलकौरियतुमल कौरिया वमा अदरा कमल कारिया, खिड़खिड़ा डालने वाली, क्या है खिड़खिड़ा डालने वाली। फरमाया मल कारिया यौम यकून नास कल फराशिल मबसूस व तकून जिबाल कल इहनिल मनफूश, फरमाया उस दिन तुम देखो कि पहाड़ इस तरह से जो है उड़ रहे होंगे जैसे धनका हुआ ऊन। तो यहाँ भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वह हुमिलतिल अर्द वल जिबाल फदुक्कता दक्कतुम वाहिदा, और ज़मीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे और एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फयोम इज़्यूम वक़ातिल वाक़या, उस दिन होने वाली हो पड़ेगी, यानी कयामत कायम हो जाएगी। कयामत के मुनकरों को ये पता चल जाएगा कि जो वो कहा करते थे अपने जो है वक्त के पैगंबरों से कि अगर तुम सच्चे हो तो हमें वो ला कर दिखाओ जिससे तुम डराते हो हमें। तो अल्लाह फरमाते हैं उस दिन वो जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, जिसका उनसे वादा किया गया था, वो आकर रहेगी कयामत। फन व अंश वन शक्कत इस समा उफ़िया यौम इज़्ज़ुम वाहिया, और आसमान फट जाएगा उस दिन, बिल्कुल बूदा यानी कमज़ोर हो जाएगा, और आसमान को जो है फरिश्ते जो है अल्लाह के अर्श को लेके आएंगे 8 फरिश्ते। ये भी जिक्र अल्लाह ताला कर रहा है कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर। जो कयामत है उसकी मंजरकशी मुख्तलिफ अंदाज में की गई है कि किस तरह वह इधर शम्स कुवेरत व इधर जिबाल, यानी कि पहाड़ों का जिक्र किया जा रहा है, सूरज का फटने का जिक्र किया जा रहा है, सितारों के बेनूर होने का जिक्र किया जाता है, और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंदाज में कयामत की इस हौलनाक दिन को कुरान मजीद में बयान किया है। वल मलक अला अरजाइहा व यहमिल अर्श रब्बिक फौकहुम यौम इज़्ज़िन समानिया, उसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और तेरे परवरदिगार का अर्श उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 8 फरिश्तों ने जो है अल्लाह के अर्श को थामा हुआ होगा। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह के अर्श को 6 फरिश्तों ने थाम रखा है, लेकिन कयामत के दिन जब अल्लाह ताला के अर्श को लाया जाएगा तो 8 फरिश्तों ने उसे पकड़ा हुआ होगा। यौम इज़िन तुअरज़ून अला तख्फा मिनकुम खाफिया, उस दिन तुम सब सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भेद पोशीदा ना रहेगा। उस दिन हर चीज़ जो है, जो मख्फी चीज़ जो दुनिया में इंसान छुप के काम करता है, जो उस वक़्त उसकी ये जहन होता है, उसके जहन में ये सोच होती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा जो बुरा काम मैं कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो फिर उसके सामने सब कुछ उसके सामने आ जाएगा। वमन यफ़अल जो वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा,
वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो अच्छा अमल करेगा वो उसको भी देख लेगा, जो बुरा अमल करेगा उसको भी देख लेगा। जैसे कि कुरान में और मकाम पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कहेंगे, जब अपना अमालनामा देखेंगे तो कहेंगे ना कि माल हाजल किताब, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरुन वला कबीरा, इसने तो कोई छोटी से बड़ी चीज़ जो है वो नहीं छोड़ी। और एक और मुकाम पे अल्लाह ताला यही चीज़ जिक्र करते हैं कि किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, किरामन कातिबीन हमने तुम्हारे कंधों पे बिठा रखे हैं, जो यालमून मा तफअलून, जो जो कुछ तुम करते हो वो सब वो जो है लिख रहे हैं उसको, वो जान रहे हैं उसको, उसको वो जानते हैं। तो तुम्हारा हर अमल लिखा जा रहा है, कभी खुद को तन्हा महसूस न करें गुनाह करते हुए, कम से कम ये सोचें हमारा रब हमें देख रहा है, हमारा अल्लाह हमें देख रहा है और हमें अल्लाह के पास जाना है। यही चीज़ है जो हमें अपने मौत की याद दिलाती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। फरमाया जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो ज़रूर तुम्हें आकर रहेगी, और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, और तुम्हारा रब तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम किया करते थे। लिहाजा जो है जो अमल तुम करते हो अल्लाह ताला से कुछ पोशीदा नहीं है, क्योंकि वो बारीक बिन खबरदार है अल्लाह, वल्लाहु लतीफ़ुल खबीर, और वो यअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, जो कुछ तुम छुपाते और ज़ाहिर करते हो वो सब जानता है। फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फयकूलु हाउम उक़रऊ किताबिया। सो जिसका नामा आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहने लगेगा लो मेरा नामा आमाल पढ़ो, यानी उसके दाहने हाथ में, दाहने हाथ वालों की को खुशखबरी सुना दी जाएगी, दाहने हाथ वालों से कहा जाएगा कि जो है खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए तो हमेशा हमेशा की कामयाबियां हैं। आगे अल्लाह ताला वो कामयाबियां गिनवा रहे हैं कि इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। फरमाया वो कहेगा कि मुझे पता था कि एक न एक दिन कोई हिसाब किताब भी होना है, अल्लाह के यहाँ जो है हमने पेश होना है, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है, उसको मैंने जहन में रखा हुआ था। इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, इसलिए मैंने अपने आमाल नामे को दुरुस्त किए रखा, मैंने अपने आमाल को जो है अमले साले बनाए रखा, क्योंकि मुझे मेरे इल्म में था कि एक ना एक दिन मुझे मेरे रब के सामने पेश होना है और मुझसे जवाबदेही मांगी जाएगी, मुझसे मैं अपने हर अमल का जवाबदेह हूँगा। फरमाया जो ऐसा शख्स है फ़हुवा फ़ी ईशत राज़िया, बस वो एक दिल पसंद ज़िंदगी में होगा, एक ऐश में होगा, जहाँ पर जन्नत के अंदर ना कोई गम फिक्र होगा, ना कोई मर्ज होगी, ना मौत होगी, ना थकावट, ना बुढ़ापा, ना कोई नुक्स, ना ऐब, ना कमज़ोरी, हर नेमत जो दिल चाहेगा, बल्कि जिस चीज़ का जो है ख्याल तक रसाई होगा वो भी वहाँ पर जो है हमें मिलेगी, यानी जिस चीज़ को हम सोचते हैं वो सब कुछ भी हमें जन्नत के अंदर अल्लाह ताला अता करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें उन जन्नत वाले लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं फी जन्नतिल आलिया, वो बुलंदोबाला जन्नतों के अंदर होंगे, बागात के अंदर होंगे, जन्नत बाग को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतूफुहा दानिया, फरमाया जिसके मेवे झुके हुए होंगे। सुभान अल्लाह, किस तरह के अल्लाह ने मंजर कशी की है कि वो अपना जैसे कि कुरान मजीद में सूरह गाशिया के अंदर अल्लाह ताला इसका तज़करा करते हैं, सुररुम मरफूआ व अकवाबुम मौज़ूआ व नमारिक मसफूफा व ज़राबी मबसूसा, यानी अल्लाह ताला वहाँ पर कहते हैं कि जो है वो तकिया लगाए हुए बैठे होंगे, मसनदों के ऊपर बैठे होंगे। जो है यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतूफुहा दानिया, जिसके मेवे झुके हुए होंगे, फल झुके हुए होंगे, आदमी को यानी फल तोड़ने के लिए आदमी को खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खड़े लेटे हर हाल के अंदर उन्हें वो ले सकेगा। फरमाया कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफतुम फिल अय्यामिल खालिया, उनसे कहा जाएगा कि मज़े से खाओ पियो अपने उन आमाल के बदले
जो तुमने गुज़िश्ता ज़माने में किए। गुज़िश्ता ज़माने से मुराद वो आज का ज़माना है, जो आज जो है यहाँ पर अल्लाह ताला जो है माजी की बात सॉरी मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं और माजी का तज़किरा कर रहे हैं वो लोग जो जन्नत के अंदर चले गए हैं। अल्लाह ताला ने इनको हर किस्म की नेमत से नवाज़ दिया है। अब वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारा बदला है उन कामों का जो तुमने अपनी दुनिया की ज़िंदगी में किए थे। तुम्हें अपने हिसाब का डर था कि अल्लाह ताला से अल्लाह ने मेरा हिसाब लेना है, मैं किसी का हक ना खाऊं, मैं किसी पर जुल्म और ज्यादती ना करूं, मैं नेक अमाल करूं। इस अमल के बदले में अल्लाह ताला ने उनको जन्नत दी हुई है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जो तुम्हारा दिल चाहे मज़े से खाओ पियो अपने उन अमाल के बदले जो तुमने गुज़िश्ता ज़माने में किए थे। वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाल ही फ़यकूल या लैतनी लम ऊत किताबिया। फरमाया कि जिसको उसका नामे आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो तो बर्बाद हो गया। जिसे उसका नामे आमाल बाएं हाथ में मिला उसे कहा जाएगा, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश कि मुझे मेरा आमाल नामा न मिलता, मुझे दिया ही ना जाता। या आगे वो कहता है वो लम अदरी मा हिसाबिया, मैं तो नहीं जानता था कि कोई हिसाब किताब भी होना है, मेरे इल्म में कहाँ था कि कोई हिसाब किताब का वक़्त भी होगा, कोई अल्लाह के सामने भी जाना है। मैंने जो कुछ किया अपने दुनिया की ज़िंदगी में उसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा, मुझे तो इस बात का कोई इल्म नहीं था। तो वहाँ पर वो आगे कहता है कि काश या लैतहा कानतिल काज़िया, काश के मौत ही मेरा काम तमाम कर देती, काश मैं मर जाता और फिर मुझे ज़िंदा ही ना किया जाता, मैं मर की मट्टी हो जाता और कोई जो है मेरा पुरसाने हाल ना होता, इस मट्टी से मैं दोबारा ना उठाया जाता। हालांकि अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में फरमाया ना मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हमने तुम इस मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी में मिलाएंगे, मिट्टी से दोबारा तुम्हें जो है उठाएंगे और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर जाना है। यहाँ पर मैं ये सूरह वाकया मेरे सामने है, सूरह वाकया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ अस्हाबुल यमीन का तज़किरा किया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सुभान अल्लाह सूरह वाकया में जो जन्नत के वाक़ियात हैं बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। फरमाया के वसाबिकून असाबिकून उलाइकल मुकर्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुररिम मौज़ूना। ये जो जन्नती लोग होंगे लाल व याकूत वगैरह से जड़े हुए तख्तों पर होंगे, मुत्तकीना अलैहा मुतकाबिलीन आमने सामने तकिया लगाए हुए होंगे, यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में यही नौजवान बच्चे ही रहेंगे उनके आसपास फिरेंगे, बे कवाबियों व अबारीक व कासिम मिन माईन यानी आब खोरे और आफ्ताबे और साफ शराब के गिलास ले लेकर आएंगे, ला युस्दाउना अन्हा वला युन्जिफून उससे ना तो सर में दर्द होगा ना उनकी अकलें ही जायल होंगी, व फाकिहतम मिम्मा यतखय्यरून और मेवे जिस तरह के उनको पसंद होंगे, व लहमे तैरे मिम्मा यश्तहून और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का उनको उनका जी चाहेगा, व हूरुन आइन और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें कामसालिल्लुलुलुलुल मकनून जैसे हिफाजत से तय किए गए आबदार मोती, जजा अम बिमा कानू यामलून ये उनका बदला है उनके आमाल का जो वो करते थे। आज नेक अमल कीजिए, हमेशा की ऐसी ज़िंदगी पाइए जो कि ऐश और इशरत से भरा हुआ है, और अगर आज नहीं सोचेंगे अल्लाह न करे कयामत के दिन अगर बाएं हाथ में अमालनामा मिल गया तो फिर यही हाल होगा, बंदा कहेगा या लैतहा कानतिल काज़िया, काश मेरे मौत ने मेरा काम तमाम कर दिया होता। और वो कहता है मा अगना अन्नी मालिया, जिस माल के पीछे तुम भाग रहे हो, अल माल वल बनून जीनतिल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, ये माल और ये जो
बेटे हैं, ये तो दुनिया की जीनत है, दुनिया का माल है, आखिरत में कौन सी कोई सिफारिश चलनी है। मंजल लजी यशवाओ इंदहू इल्ला बे इज़्ने, कौन है जो अल्लाह के सामने सिफारिश करे अल्लाह के इज़्न के बगैर, अल्लाह के इजाज़त के बगैर। ना तुम्हारा माल कोई काम आना है, ना जो है शोहरत काम आना है, ना सीम ज़र काम आने हैं। तो वो कहता है मा अगना अन्नी मालिया, मेरे माल ने मुझे कोई नफ़ा ना दिया, मुझे कोई फ़ायदा ना पहुँचाया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा गलबा भी जाता रहा, मेरी सल्तनत भी जाती रही, मेरे पास जो जाह जलाल और हिस्मत था वो भी जाता रहा, मेरे किसी काम ना आया। तो अल्लाह फरमाएगा खुजूहु फगुल्लू, इसे पकड़ो फिर इसे तौक पहना दो। और हदीस के अंदर आता है ये, बल्कि कुरान मजीद में ही आता है कि 70 हाथ लंबी, ये आगे कुरान मजीद में ही आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं खुजू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िरान फसलों को, इनको 70 हाथ लंबे जो जंजीरें उनके अंदर इनको जो है सतूनों से, जहन्नम के सतूनों से बांध दिया जाएगा, इनको उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसे दोजख में डाल दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िरान फसलों को, फिर इसे ऐसे जंजीरों में जिनकी पैमाइश 70 हाथ है जकड़ दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, इसका जुर्म क्या था कि अपने रब को ना पहचान सका, अपने रब को पर ईमान नहीं लाता था, जिस रब की वाज़ह निशानियां उसके सामने थी। लोग अल्लाह के निशानियों का इनकार करते हैं, हालांकि आप छोटी सी छोटी चीज़ से लेके बड़ी सी बड़ी चीज़ को देखें, आप आपको अल्लाह की निशानियाँ नज़र आएँगी। पानी का कतरा, एक गंदा कतरा, अल्लाह कुरान में कहते हैं फरमाए फल यंजुर इंसान मिम्मा खुलिक खुलिक मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैन सुल्ब व तराइब। अल्लाह फरमाते हैं कभी इंसान अपनी पैदाइश पर गौर कर, हमने तुम्हें पानी के एक बूंद से पैदा किया, और फिर अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या हमने तुम्हें आँखें नहीं अता की, जुबान हाथ होंठ नहीं अता किए, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने, फरमाते हैं कि किसने तुम्हें अता किया। आप अगर जो है, मैं अगर साइंटिफिकली जाऊं तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, वरना आप देखें कि इस तरह का मरबूत निज़ाम इंसान की सारी खुराक को अल्लाह ताला जो है उस ज़मीन से पैदा करता है। आपका अनाज फल यंजुर इंसान इला ताम ही अन्ना सबबनल मा असब्बा सुम्म शककनल अर्ज शक्का फअंबतना फीहा हब्बों व इनबों व कज़बों वह जैतूनों व नखलों व हदाय का गुलबा। ये सारी चीज़ें जो है खजूर और तरकारी और अंगूर और ये सब कुछ कौन पैदा करता है, जो है कौन है जो ये सब कुछ उगाता है ज़मीन से। और फिर अल्लाह ताला ने ये तैरम जो है, आपने देखे होंगे ये परिंदे जो उड़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनमें भी हमारी खुराक पैदा की है। इन फलों के अंदर जो ज़मीन से निकलते हैं दरख्त हैं, इनके फल भी अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किए। सब कुछ अल्लाह की निशानियाँ हैं। बदबخت है वो इंसान जो अपने रब को न पहचान सका, और जिसने इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद अपने रब को न पहचाना उसका अंजाम यही होगा कि उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और इसका और जुर्म क्या था, अल्लाह फरमाते हैं वला यहुज़ु अला ताअमिल मिस्कीन, और मिस्कीन के खिलाने पर रगबत न दिलाता था। ये कुरान है, 14 साल पहले नाजिल होने वाला कुरान, ये किताब है जो अल्लाह की किताब है, जो हमें हुक्म देता है कि मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो, मिस्कीनों को खाना खिलाओ। आज तो सिर्फ और सिर्फ दावे किए जाते हैं, और जो है सारे का सारा जो है वो दिखावा किया जाता है। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, पस आज उसका ना कोई दोस्त है। जाहिर सी बात है, आज भी दुनिया के अंदर हमने सुना है, दुनिया में कहते हैं कि यार जिसका बुरा वक्त आ गया फिर आप देख लें, आपको पता चलेगा दोस्त कौन है, बाकी अच्छे वक्त में तो सभी दोस्त हैं। तो यही बात है कि आखिरत में जब जो है आखिरत का मुकाम आएगा, आखिरत का वक्त आएगा, तो फिर जो है ना किसी दोस्त ने आपके काम नहीं आना, फिर सब के सब ने जो है किनारा कर जाना है। यहाँ दुनिया में भी जब मुश्किल वक्त आए तो लोग छोड़ जाते हैं। यहाँ कुरान मजीद के अंदर मेरे सामने है सूरह अल मआरिज के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया है वतकूनुल जिबालो कल इहन,
वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबी यौमइज़िन बिबनीह व साहिबतिही व अखीह व फसीलतिही लती तुवी व मन फिल अर्ज़ जमीअ सुम्म युंजी कल्ला इन्नहा लज़्ज़ा नज़ाअतन लिश्शव्वा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि और कोई दोस्त किसी दोस्त का पहचान न होगा, कोई दोस्त किसी दोस्त के बारे में नहीं पूछेगा। और यहाँ पर आप अंदाज़ा करें कयामत के दिन की हौलनाकी का। अल्लाह फरमाते हैं युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबी यौमइज़िन बिबनीह, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। अल्लाह फरमाते हैं दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा, दोस्त तो अलग रहे। अल्लाह फरमाते हैं उस रोज़ गुनाहगार ख्वाहिश करेगा कि किस तरह इस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे। अंदाज़ा करें आप कितना हौलनाक दिन है। अल्लाह फरमाते हैं कि वो शख्स जो गुनाहगार जो जहन्नम में जा रहा होगा कहेगा कि मेरे बेटे ले लो, और फरमाएगा जो है वो शख्स कहेगा वो साहिबत ही वाखी, और अपनी बीवी और भाई को देने के लिए तैयार होगा इसके बदले में कि उसकी जान छूटे। व फसीलत हिल्लती तो वी, और कहेगा अपना ख़ानदान जिसमें वो रहता था वो भी मैं देता हूँ, कुर्बान करता हूँ सब कुछ। व मन फिल अर्द जमीया, और जो कुछ ज़मीन में है सुम्मा युनजी, कि उसे उसके बदले में छोड़ दिया जाए, उसे अजाब ना आए, तो वो सब कुछ देने के लिए तैयार होगा। लेकिन कहा जाएगा कल्ला इन्नहा लज़्ज़ा, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं, वो भड़कती हुई आग है। नज़्ज़ातल लिश्शवा, वो खाल उधेड़ देने वाली है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि ला तुबकी वला तज़र, कि ये जहन्नम की आग ऐसी है कि जो न छोड़ेगी ना बाकी रखेगी, यानी वो इंसान को हलाक कर देगी, और जो है इंसान मरेगा भी नहीं वहाँ पर। यौम यदउ सबूर, मौत को मांगेंगे लेकिन उनको मौत नहीं आएगी। ला यमूत फीहा वला याहया, उन्हें ना मौत आएगी ना ज़िंदगी, यानी इसी दरमियानी कश्मकश के अंदर होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला ताअमुन इल्ला मिन गिसलीन, जो शख्स जो है उसके ये जुर्म होंगे, अल्लाह को नहीं मानता होगा, मिस्कीन को खाना खिलाने की रगबत नहीं दिलाता होगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसका अंजाम ये होगा कि उसे सिवाय पीप पीप के जो ज़ख्मों का धोमन होता है, जो ज़ख्मों की गंदगी होती है, उसके अलावा कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाएगा। फरमाया ला याकुलहु इल्लल खातिऊन, जिसे गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। ये बहुत बड़ी आयत है कि ये गुनाहगारों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, काफिरों का नहीं किया अल्लाह ताला ने, मुशरिकों का नहीं किया। तो अल्लाह ताला हमें जो है इनमें से न करे। अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इनमें से न करे। अल्लाह ताला हमें अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाह हमें जन्नतल फिरदौस में जगा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून, पस मुझे कसम है उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो, वमा ला तुबसिरून, और जिन्हें तुम नहीं देखते उनकी भी कसम है। फरमाया इन्नहु लकौल रसूलिन करीम, ये रसूल करीम का कौल है। वमा हुवा बिकौल शायरिन कलीलम मा तुमिनून, ये किसी शायर का कौल नहीं है, तुम बहुत कम ईमान रखते हो। अल्लाह फरमाते हैं वला बिकौल काहिनिन कलीलम मा तज़क्करून, ना किसी काहिन का कौल है, तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। अल्लाह फरमाते हैं तंजीलम मिन रब्बिल आलमीन, ये किताब नाजिल की गई है रब्बिल आलमीन की तरफ से। और फरमाया वलौ तकव्वल अलैना बअज़ल अकाबील, सुभान अल्लाह, कुरान मजीद की कितनी अहमियत अल्लाह ने बयान की है कि फरमाया अगर हम पर ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई बात बना लाते अपनी तरफ से और इसको मंसूब कर देते, जैसे कुफार किया करते ना, इन्नल्लज़ीन यक्तुबून अल्किताब बिअयदीहिम सुम्मा यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अपने हाथों से किताब लिखते और कहते कि ये अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे पैगंबर पर तो मैंने कुरान मजीद नाजिल किया है, लेकिन अगर मेरे पैगंबर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि ये बात बईद है, अल्लाह ताला ने हमें समझाने के लिए अपने कुरान की अहमियत को बयान करने के लिए कहा है, वलौ तकव्वल अलैना बअज़ल अकाबील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम अलबत्ता हम उसका दाहिना हाथ पकड़ते। बहुत सख्त आयत है। फरमाया अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात लेकर आते तो हम उनका दाहिना हाथ पकड़ते, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर उसकी शहरग काट डालते, फिर उनकी रगे जान काट डालते। अल्लाह फरमाते हैं
इस जुर्म में कि वो अपनी तरफ से कोई कलाम लेकर आए हैं और हमारी तरफ मंसूब कर रहे हैं। तो फरमाया फमा मिन कुम मिन अहदिन अनहु हाजिज़ीन, फिर तुम में से कोई भी मुझे इससे रोकने वाला ना होता। सुभान अल्लाह, कितना समद और कितना बेनियाज और कितना अल्लाह की बात सच्ची और सीधी है। वमन असदक मिन अल्लाह हदीसा, और अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात करने वाला कौन है। उस अल्लाह ने तो इंसानों को कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा, के ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्ची बात करो, सीधी खरी बात करो, सदीद बात करो, बिल्कुल वाज़े बात करो। तो अल्लाह फरमाते हैं कोई तुम में से हमें रोकने वाला ना होता। वइन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, यकीनन ये कुरान परहेजगारों के लिए नसीहत है, ये कुरान नसीहत की किताब है। अफसोस कि हम कुरान से हिदायत हासिल नहीं करते। अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद में फरमाते हैं अफला, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोहम्मद के अंदर कि अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, कि क्या तुम कुरान पर गौर नहीं करते या तुमने तुम्हारे दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। काश कि हम इस कुरान पर गौर कर लेते, आज हमारी ये हालत ना होती। क्योंकि सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन अल्लाह यरफ़ो बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़ो बिही आखिरीन, कि अल्लाह ने इस किताब की वजह से कौमों को इज्जत अता की है और इस किताब को छोड़ने की वजह से अल्लाह ने कौमों को जलील और रुसवा करके रख दिया। तो वो लोग थे तो अरब लोग, बद्दू लोग कहा करते थे, उनको अनपढ़ कहा करते थे, वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनके कपड़ों पर पैबंद लगे हुए थे। लेकिन चंद सालों के अंदर उन्होंने रोमन और पर्शियन अम्पायर को गिरा के रख दिया था। वजह क्या थी? यही थी कि उनके सीनों में कुरान था। फरमाया वइन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज्जिबीन, हमें पूरी तरह मालूम है कि तुम में से बाज़ इसको जुटलाने वाले हैं, कुरान का इनकार करने वाले हैं। और फरमाया वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, फरमाया बेशक काफिरों के ऊपर हसरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये असर तो अफसोस होगा, ये अपने ऊपर भी करेंगे। अल्लाह ताला तो खैर बेनियाज है, अल्लाह को क्या ज़रूरत है। बहुत से काफिर जो है वो आरजुएं करेंगे, जैसे कुरान मजीद के अंदर एक मुकाम पे आता है ना, सूरह मयत सालून के अंदर, सूरह नबा के अंदर, वो कहें वयकूलुल काफिरु या लैतनी कुंत तुराबा, और काफिर कहेगा कि काश आज हम मिट्टी होते। तो वइन्नहु लहक्कुल यकीन, और बेशक शक व शुबा ये यकीनी तौर पर हक किताब है, ये कुरान मजीद के अंदर कोई शक नहीं है। ये अल्लाह ताला कुरान में सूरह मोहम्मद में फरमाते हैं ना, नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ हमने नाजिल किया ये हक है। और इस हक से मुराद यहाँ पर कयामत भी हो सकता है। तो ये कयामत जो है वो भी हक़ुल यकीन है, तो ये भी माना किया गया है। लेकिन जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद का जैसे तज़किरा चला आ रहा है, तो कुरान मजीद जो है वो हक किताब है। इससे हमें चाहिए कि आज भी हम इसको मशाले राह बनाएं। जितने मसाले हो चुके हैं, जितने फ़िरके हो चुके हैं, आज हम अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो सिर्फ कुरान मजीद पर हो सकते हैं। फरमाया फसब्बिह रब्बिकल अज़ीम, पस तू अपने रब अज़ीम की पाकी बयान कर। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का रब की पाकी बयान कर, अपने रब के जो है नाम को ले, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। इस तरह से अल्लाह ताला की जो है तस्बीह करनी चाहिए रात को। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ही की तारीफ़ें हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अपने रब की तस्बीह बयान किया कर। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।